यो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। बेसिकली हुआ क्या था यार कि मेरे को ना बहुत टाइम पहले जोमेटो वालों के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे ना, जो उनके चैनल पे काफी अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है। तो दे कॉल्ड मी अगेन सेइंग कि भाई हमारे पास तेरे लिए और एक आइडिया है। इस बार लास्ट टाइम फिटनेस चैलेंज किया था, मॉडल चैलेंज किया था, रिएक्शन किया था, इस बार क्या करेंगे, इस बार तेरे को कम्फर्ट जोन में रखेंगे हम। मैंने कहा क्या करेंगे, कह रहे हैं हम देखेंगे कि तू कितना खा सकता है। और अब जब मैं फिट हो रहा हूँ इनको तभी आया ये आइडिया। जब मैं सांड की तरह खा रहा था पिछला एक साल तब इन्होंने ये आइडिया नहीं दिया। कितना खाता मैं, कितना मजे से करता मैं ये चैलेंज। तब इसको मैं ऐसे लव बाइट दूंगा अभी। पर अभी ऐसा हो गया कि मैंने ना बहुत मेहनत करी है अपनी बॉडी पे और मेरे से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू बता मेरे को आइडिया। मैंने कहा था उनको कि हाँ मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, क्रेजी वाला, डोंट वरी। और अब उस बात को 15 दिन हो गए और मुझे याद आया कि वो दिन आज है जब हमें वीडियो बनानी थी। वेल डन। तो अब मेरे पास एक आइडिया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक पूरा दिन बिता सकता हूँ जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ। देखते हैं उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। आई एम एक्चुअली यूट्यूबर, मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरे को आपके साथ पूरा दिन बिताना है। मेरे साथ? हाँ नहीं, एक दिन बिता लो मेरे साथ यार, मजे आएंगे। नहीं प्लीज यार, एक दिन बिता लो यार। सर एक दिन यार। यार पाविशा भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा दिन बिताऊँ एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर के साथ। मैं तब से कोशिश करे आ रहा हूँ, तेरे को लग रहा है मैं बार बार मंगा रहा हूँ, मेरे को भूख जरा भी नहीं लगी। मेरे को भूख लगी है बस कंटेंट की। तो मेरे को प्लीज एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर अरेंज करवा दे यार। अभी बोल रहे हो तुम, जब शूट स्टार्ट होने वाला है उसके एक मिनट पहले ये बताया। इम्प्रोवाइज करेंगे ना हम, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाएंगे। दोस्तों द डिलीवरी पार्टनर हैज अराइव्ड एंड दिस इज द डिलीवरी पार्टनर जो जोमेटो की तरफ से आए। थोड़ा बहुत लाइक यू नो इनपुट दे सकते हैं बिल्कुल, बट गिग्स को तो चलते हैं अभी गिग्स पे। फिर तो आप साथ में डिलीवर करोगे? चलो ओके सर। वन मोर थिंग, अगर आप साथ में डिलीवर कर रहे हो आप प्लीज टी शर्ट पहनो। अबे ठीक है भाई, पहन लेंगे टी शर्ट। डबल एक्सेल नहीं मिला आपको सर? टूट गया मैं तो अब। रुको मैं अंदर की शर्ट निकाल के आता हूँ, रुको अभी। लेट्स गो भाई। कैमरामैन भाई मेरे निप्पल तो नहीं दिख रहे हैं? हाँ और दिख रहा है, दिख रहा है बे यार। एडिटिंग में संभाल। यो एमसी लिफ्ट। यस लिफ्ट नहीं आ रही है। हां नहीं आ रही है। तो अपन सीरियल लेते हैं एंड आई विल मेक यू एमसी फिट। ऑर्डर आ गया है और ये है टिप्स फ्रैंकी का जो कि यहाँ पे है, तो ये एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं। कितनी दूर है अभी ये जगह? बस यहाँ पास में ही है। वॉकिंग डिस्टेंस? वॉकिंग डिस्टेंस भी है, जा सकते हैं। चलो तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं दोस्तों डिलीवरी करने के लिए एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू गाइस कि मेरी लाइफ की जो पहली डिलीवरी होने वाली है वो ऑन टाइम होने वाली है गाइस। बस मेरी गर्लफ्रेंड की ना हो जाए। यहीं तक कहाँ जाना है अपने? फिट एंड रन। हमको ये भाई मिले, पहचान लिया और अब आज उनकी गाड़ी में हम लोग डिलीवरी करने वाले हैं। तो पहली बार होगा किसी स्विगी वाले ने, सॉरी किसी जोमेटो वाले ने लिफ्ट लेके किया होगा भाई डिलीवरी। 0724 दोस्तों, ऑर्डर हैज बीन कलेक्टेड। बिग ऑर्डर। हाँ भाई ये कौन से लाइन में आ गए भाई? ये मेरा साइड बिजनेस है भाई। मेरे को सही में लगा कि आपके ऐसा दिखने वाला कोई जोमेटो वाला है भाई। मैं असली में यही करता हूँ, सेकंड मेरा यही मतलब है। कॉमेडी में आजकल उतना पैसा नहीं बनता भाई, यही चाहिए। थैंक यू भाई, ये डेडिकेशन, ये डेडिकेशन। थैंक यू सो मच भाई। सब्सक्राइब सर। अगर आप मेरे को एक स्टोन पेपर सीजर में हरा देते हो तो आपका डिलीवरी फ्री। ठीक है, बेस्ट ऑफ थ्री। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। 2-0 अब तो मैं हार ही गया भाई। आपका सीओडी है सर। कुछ डिलीवरीज खत्म करने के बाद एमसी लिट ने कहा कभी हुड़ में तो आ। तो हम पहुंचे एमसी लिट के बॉम्बे 70 में। बॉम्बे 70 का मेन हुड यहाँ पे आके चिल करने का, म्यूजिक सुनने का,
एंड थोड़ा सा सेल्फ जैम. ये मेरा स्पेशल प्लेस इसलिए क्योंकि काफ़ी खाली है और यू नो यू कैन फील योर सेल्फ योर थाट्स. मैंने कुछ ट्रैक्स भी लिखा है यहाँ पे आके बैठ. Endless, you know, like there's one left that goes to right and left and right. Google Maps hota hai iske andar? Nahi, yahan pe nahi. Aap directly aap puch sakte ho. Aur ye bhi hai room batane ko. Room batane ko ho gaya? Okay, left side pe hai kya? Aur yahan pe sare log music se connected hai. Aap band ki awaaz sun rahe hoge. Ye raha sare like sabka फ्लैग्स. यहाँ पे कोई भी इवेंट या जो भी होता है वो यहाँ पे होता है. अच्छा, आप रैप सुनते हैं क्या? नहीं नहीं, अंदर सुनते हैं लोग. हेलो, आप लोग के फेवरेट रैपर्स कौन हैं? डिवाइन. डिवाइन एमसी स्टैन. आप नहीं सुनते? सुनता हूँ भाई. डिवाइन का, डिवाइन का फेवरेट गाना कौन सा आपका? अभी तो मैं भूल गया. हो जाए भाई, आओ ना एक एक रैप गाते. हो जाए बीट बॉक्स. हो जाए भाई, हो जाए हो जाए. अरे भाई लोकर है खाली. या चेक दिस अलेड बॉम्बे 70 से क्या? चल सुन. आ चेक चेक चेक. 2 बजे की वो रात, रैप की थी शुरुआत. पन्ने कलम मेरे हाथ, उड़ना चाहूं चील के साथ. आगे बढ़ूं खुद के ही दम पे मैं यार. फिर ब्रेकिंग न्यूज बनकर आऊं मैं ऑन समाचार. समाचार जैसे आज तक या दूरदर्शन या ऑन यूट्यूब जैसे कमलेश विद सुलोचन. मेरा रैप मेरे साथ बिल्कुल वैसे है. तेरे फेफड़े में रहता धुआं जैसे. बे आवाज करो बबले. चलो बॉम्बे 70 के लिए क्या? Bro, just going on the spot and killing it. Yeah, man. That's what the vibe of my hood. हैप्पी जगह है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे यू नो रेगुलरली ना गिग्स इवेंट्स ये सब होते रहते जो ये लोग खुद ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ की पब्लिक. मैन दैट्स क्रेजी हाउ यू मैनेज दिस टू वर्ल्ड्स. या Zomato लाइफ एंड देन योर लाइफ. तू रैप करती क्यों है? दैट्स माय पैशन ब्रो. एंड Zomato जस्ट इन साइड हसल टू सपोर्ट माय वीडियो माय थिंग. अच्छा, साइड हसल करने के लिए आई एम श्योर लाइक Zomato राइडर के अलावा भी बहुत सारे लोग चीजें करते हैं लोग. बट व्हाट मेक्स यू लाइक The rider job. I'll tell you what. मेरे को राइडिंग भी बहुत पसंद है ब्रो. मेरे को बाइक चलाना बहुत पसंद है. अगर मैं रैपर नहीं होती तो उसके जगह पे मैं एक राइडर होती. मेरे को राइडिंग पसंद है. मेरे को ना डिलीवर करना है पैकेट पैकेट पैकेट. जैसे अभी हुआ हम लोग चल रहे थे यहाँ और आप लोगों ने पहचान ले गया. इसको मैंने इधर देखा था, रास्ता कैफे में देखा था. या, या, तो ऐसा कभी होता है आप पेरेंट्स के साथ और आपको कोई पहचानता है और आपको फुल ऐसे प्राउड मोमेंट लगता है? अपने एरिया के लोग हैं. मेरे को थोड़ा यहाँ से बाहर निकल के एंड देन तब लोग पहचाने पेरेंट्स के साथ में फैमिलीज के साथ में तो ज़्यादा अच्छा लगता. Do you take inspiration from your experiences in Zomato delivery and put it in your rap? Many times. जैसे आप रस्ते पे निकलते हो आपको 10 incident मिलता है देखने के. अभी लड़ाई देख ली हमने. बिल्कुल. तुम आगे लो ना, मैं पीछे ले जाऊँ. पीछे ढलाने. तो उससे हो गया कि यार लोगों का दिमाग ही खराब. तू अपने काम से या मतलब रख, तू तेरा देख. बूम. तो ये सीन है ब्रो. ओके या फ्री स्टाइल बोल दे. अच्छा चलो सुनो. बॉम्बे 70 से. ओके या चेक चेक. चलते फिरते यहाँ पे कई हाँ लोग दिखते जिनकी कई घटनाएं मेरे आंखों में छपती हैं. अब बैठ के लिखता जब भी गाना मैं हाँ कोलम और बुक मेरे साथ बोले बातें ये भी चलती है. चलती कैसे यहाँ पे देख सड़क ये बात. बॉम्बे 70 में ना कोई नेक सबका गर्म है दिमाग. सब एक फर्स्ट क्लास देख यहाँ पे सब किया लाइव बोले टिप टॉप टिक टॉक. अब बहुत सारी पब्लिक का करती पर हमने चुना है हिप हॉप. या हमने चुना हिप हॉप ब्रदर. एमसी लिट ब्रो. भाई मुझे भी ये करना है, मुझे भी सीखना है. भाई कर सकते हो ऐसी बेसिक. ट्राई करूं फिर तुम्हें पता मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं. ठीक है करो करो भाई. हो जाए बीट बॉक्स. हो जाए लेट्स गो लेट्स गो. या यो बॉम्बे 70 से. लेट्स गो. बॉम्बे 70 से. कश्मीरी हूं मैं, तेरा सर फोड़ूंगा पत्थर से. या बच के रे मेरे से, तू छोटा है मटर जैसे. ए हट कर मैं मुझसे टक्कर मत ले. मैं डट कर खड़ा हूँ यहाँ पे, मारूंगा तुझे पटकर से. आएगा चक्कर वे. आएगा चक्कर वे. जाना दफ्तर वे. तू भाई शक्कर है. जाना दफ्तर पे फिर हाँ वही है. चलता काम यहाँ पे रोजाना का एक ही बोले हाँ है सरे आम. क्योंकि करे कुछ ना काम बोले मालिक के गुलाम यहाँ पे हर एक दफ्तर में.
ओके हिप हॉप एक ऐसी चीज जो मुझसे कभी दूर ना, चाहते इससे चाहे रहूं मैं मशहूर ना, ये मेरे साथ तो हाँ मुझ में गुरूर, ऐसा समय ही नहीं जब रहा हूँ इसमें चूर ना, किसी और की अब जरूरत ही नहीं, मिला इससे पता चला कितना मैं सही, दिन थे ऐसे शिकवे हुए थे इससे पर ये मुझ में समाया मुझसे छूटा भी नहीं। हिप हॉप पूरी शाम बम्बई 70 में बिताने के बाद हम पहुंचे हैबिटेट, जहां की पोएट्री ओपन माइक में मैंने एमसी लिट के लिए 5 मिनट का स्पॉट बुक किया था, ताकि वहां की पोएट्री ऑडियंस को फाइनली एक रियल टैलेंट देखने मिल जाए। इमोशनल टाइम भैया, खास स्टेशन चलेंगे? चलिए ना सर, मेरी नानी बीमार है। चलो आ जाओ भाई। गिराया नहीं था आपने सर मीटर, कोई बात नहीं, इससे पहले नानी गिर जाए हम जाते हैं ऊपर। सर मेरी नानी के लिए कुछ शब्द बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे हम? मेरी नानी बीमार है तो ठीक हो जाएंगे और क्या। वेलकम टू हैबिटेट। हेलो पायल जी, व्हाट्स अप? गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? मस्त भाई। हे परिजन भाई, व्हाट्स अप? एंड द फाउंडर सन। It's for the first time I'm seeing an artist just going on stage in front of the audience and doing a sound check. Because usually sound check hota hai audience ke aane se pehle, to taki jab wo tumhe dekhe pehli baar to impact aaye. But she lit is lit. She doesn't give a shit. My name is MC Lit. I'm from Bombay sector, which is Kurla West. So I'm basically a rapper, and my side hustle is that I'm a Zomato delivery rider. So recently I dropped a track on my YouTube channel, which I'm going to perform for you all today. So hope you guys will like it. के मैं डॉग फुल दुनियादारी की बदल गई है रीत, सोच को बदल चल नई चीजें सीख, अगले कदम पर करना होगा चीट, तो सीधा मत रह तू भी बन जाना ढीट, तू जीना नहीं चाहता गरीबी के दिन, पटेला जेब चार चिल्लर को गिनते। Fucking kill. Oh, it was crazy, bhai. Kaisa laga tere ko, kaisa laga? Acha laga. Maza hai? Haan. Full feels. Bolraj sir ko bahut hi alag experience tha. Bhai, aap bhi batao. What is common between rap and Zomato? Delivery. Oh, yeah. Bonus. Bhai, challenge karoge? Nope. Khelega? Aaja. Ek baar bhi agar ye seedhi ho gayi, aapko maza tarah se milega free burger Zomato ki taraf se. अरे भाई चल चल, अरे वाओ वाओ भाई, भाई कमॉन, आराम से आराम से। ओके भाई, लेट्स गो। वो देखा अभी तक का चल रहा है उसका बर्गर है, अकारा तेरा बोले कापे गया क्या छपे, देखे यहाँ पे मेरी पब्लिक मेरे साथ में, और जाके रिस्पेक्ट करना बोला एमसी लेट 70 से। Let's go, let's go. See you guys. Thank you.